स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? ए थाईलैंड, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी चीन। आंसर बी भारत। एक्सप्लेनेशन: भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने 18 फरवरी 2024 को मलेशिया के शाह आलम में सेतिया सिटी कन्वेंशन सेंटर में फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न। उपग्रह इनसेट 3DS का उद्देश्य क्या है? ए संचार, बी अंतरिक्ष अन्वेषण, सी मौसम संबंधी अवलोकन, डी पृथ्वी अवलोकन। आंसर सी मौसम संबंधी अवलोकन। एक्सप्लेनेशन: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी को इतिहास रचते हुए सैटेलाइट इनसैट 3DS को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का वजन 2274 किलोग्राम है और इसका उपयोग अर्थ साइंस, मौसम विज्ञान, सर्च एंड रेस्क्यू और ओशन टेक्नोलॉजी को सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये सैटेलाइट GSLV-MK2 रॉकेट से लॉन्च किया गया जो उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात हो गया। अगला प्रश्न। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए गुलजार, बी जगतगुरु रामभद्राचार्य, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी ए और बी दोनों। एक्सप्लेनेशन: उर्दू के लिए मशहूर गीतकार गुलजार और संस्कृत के लिए जगतगुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाएगा। जहाँ जगतगुरु रामभद्राचार्य संस्कृत भाषा और वेद पुराण के प्रकांड विद्वान हैं, वहीं गुलजार तमाम फिल्मों में गीत लिखने के अलावा गजल और कविता के क्षेत्र में मशहूर हैं। वर्ष 1965 से भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। संस्कृत भाषा को दूसरी बार और उर्दू के लिए 5वीं बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। आंसर ए उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री ने संभल उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। भगवान कल्कि को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। श्री कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। अगला प्रश्न। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, डी इंग्लैंड। आंसर डी इंग्लैंड। एक्सप्लेनेशन: भारतीय टीम ने राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर 434 रनों की शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। टेस्ट फॉर्मेट में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत रनों के हिसाब से है। इससे पहले साल 2021 में वानखेड़े में न्यूजीलैंड को भारत ने 372 रनों से हराया था। ये इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार है।